टैक्स मुहतसब साहब, जनाब मुश्ताक अहमद सुबेरा साहब, इंश्योरेंस मुहतसब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए, ख्वातीन हज़रात और ताजर दोस्त मेरे कराची के, कुछ पहचाने जा रहे हैं कुछ नहीं पहचाने जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा मशहूर हूँ कि जितने मौके मिले इस बात के कि सरकारी इदारों के दरमियान और आम आदमी और आम पब्लिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर किया जाए, जो इंफॉर्मेशन का तबादला है उसको मुकम्मल किया जाए, और ख़ास तौर पर ये मुहतसिब, पाँच मुहतसिबीन हैं जिनका सदर पाकिस्तान ज़िम्मेदार हैं, उन पाँच मुहतसिबीन के सारे कामों के अंदर मैंने ये महसूस किया कि लोगों को इन इदारों का पता नहीं है। मैं इनका इदारा टैक्स का टैक्स के मुहतसिब हैं, हमारे इंश्योरेंस मुहतसिब यहाँ बैठे हुए हैं, वफाकी मुहतसिब फेडरल गवर्नमेंट के हर इदारे की का ज़िम्मेदार है, 170 के करीब फेडरल गवर्नमेंट की के इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स हों वो उनके मसाइल को हल करता है। हरासमेंट मुहतसिब है, जो औरतों के हरासमेंट और मर्दों का हरासमेंट उसके ऊपर वो अमल करता है। लोगों को पता नहीं है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, लोगों को पता नहीं है कि क्या मैं कह रहा हूँ, कि मुझे ख़ुद नहीं मालूम था कि वफाकी मुहतसिब का इदारा है। मैंने यहाँ अपनी क्लिनिक में तय ये किया कि मैं मुझे बिजली चाहिए थी हायर किलोवाट्स के हवाले से, तो मेरे एक दोस्त है, उन्होंने ये कहा कि आरिफ कोशिश करते हैं कि माशरे में रिश्वत कम की जाए, तो लिहाजा इसमें हम रिश्वत नहीं देंगे। मैं कहा बिल्कुल सही। उसमें ट्रांसफार्मर लगना था, है बड़ी ये मेरे ऊपर गुजरी हुई बात है तो आपको सुनाऊँ, ट्रांसफार्मर लगना था, तो हमने कहा कि ट्रांसफार्मर लगे, सरकारी अखराजात कितने हैं जनाब, 1.5 लाख रुपया सरकारी खर्चा है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर से 2 लाख लगेंगे। मैंने कहा क्यों लगेंगे? उन्होंने कहा जी ट्रांसफार्मर लगना है, तो हमने कहा कि हम वो नहीं देंगे, हम रखते इसमें कोशिश करते रहे। 8 साल लगे, 8 साल लगे। कितना मेरा नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ। हमने एक पैसा रिश्वत नहीं दी, और उसके दौरान वो कैफियत भी बढ़ती चली गई। 8 साल में जो काम 2-3 लाख का था, उससे जो रिपरकशन हमारे ऊपर हुए, जनरेटर लगाना पड़ा, सब कुछ हुआ, हमने सब बर्दाश्त किया, बट कितनी बड़ी कीमत माशरे को देनी पड़ती है। तो इन चीज़ों, अच्छा मुझे पता ही नहीं था कि वफाकी मुहतसिब का कोई इदारा है, वहाँ जा सकता था मैं, वहाँ बता सकता था कि ये क्या हुआ, वहाँ से हल निकाल सकता था। तो जब सबसे पहले मैं प्रेसिडेंसी में गया, तो एक आपने शायद मेरा वीडियो देखा हो कि 300-400 फाइल्स मैंने रखकर लोगों को बताया कि यार इतने सारे कामों का मैंने फैसला किया, मुहतसिब के फैसले किए। तो मुझे ये ख्याल हुआ, औरतों का हैरेसमेंट के हवाले से आपको ताज्जुब होगा, डिस्पाइट ऑल प्रिकॉशंस वी टेक, साल में अगर सिर्फ 100 कंप्लेंट्स आए कि औरतों को जॉब पर हैरेस किया गया है, 100 कंप्लेंट्स तो आपने भी सुन ली होंगी, चाहे अफवाहों के ज़रिए सुनी हो, मगर आपने 100 तो आपने भी सुन ली होंगी, और सारे पाकिस्तान से 100 कंप्लेंट्स हैं, लोगों को पता नहीं है। खैर, ख्वातीन घबराती भी हैं, हमें इदारे बनाने हैं जिसके अंदर लोग आएँ, बेधड़क अपनी बात करें, एहतियात के साथ करें, और उनका हल हो। यहाँ इंश्योरेंस मुहतसिब के हवाले से मैं बात जो कहना चाहता हूँ वो नहीं, ये टैक्स मुहतसिब के हवाले से कहना चाहता हूँ वो खसूसी है, वफाकी मुहतसिब का मामला हरासमेंट का बाद में नहीं है। वफाकी मुहतसिब के जो इदारे के खिलाफ कंप्लेंट है कि जी मैंने प्लॉट लेना था, मैंने प्लॉट के पैसे जमा कराए, वादा मुझसे 3 साल का, सरकारी स्कीमों के अंदर 3 साल का किया गया था, 15 साल हो गए अभी तक नहीं हुआ। पेंशन का मामला है, चला जा रहा है, 15 साल हो गए अभी तक नहीं हुआ, तो वो वफाकी मुहतसिब के पास आता है, और उसके अंदर हरासमेंट और रिपरकशंस का इम्कान नहीं है। पिछले दिनों जब मैंने टैक्स मुहतसिब साहब से 3 महीने पहले जब बात की, तो मैंने पूछा कि आपकी कंप्लेंट्स की तादाद और लोगों की शिकायत की तादाद में कोई मुमासलत नहीं है? हम जिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात सुनते हैं वो कहते हैं जी इतने परेशान। अच्छा, कंप्लेंट्स आपके सिर्फ 4,000 हैं, तो व्हाट इज़ रॉन्ग? तो इन्होंने कहा जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कंप्लेनेंट भी घबराता है आते हुए, एक दूसरा ये कि कुछ कंप्लेनेंट्स की तादाद ऐसी है जो कनाइवेंस के साथ काम करते हैं, सो दे डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग अ सिचुएशन टूवर्ड्स वफाकी मुहतसिब, जो कनाइवेंस के साथ काम है वो वफाकी मुहतसिब तो उसको हैंडल नहीं कर सकता, लिहाजा मगर बहुत सारे डरते हैं कि वफाकी मुहतसिब के पास जाएंगे तो फिर
बाद में हमारे ऊपर रिएक्शंस होंगे, तो इस चीज़ को भी एड्रेस करना करना ज़रूरी है। तो लिहाजा मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ इन्होंने कुछ मुहतसबीन ने हमसे कहा कि जी इश्तहार दिया जाए टेलीविज़न पर। मैंने कहा यार इश्तहार तो बड़ी महंगी बात है, मगर जो आपके अच्छे फैसले हैं अगर उनकी खबर भी छपना शुरू हो जाए तो वो बहुत बड़ा इश्तहार है। तो हमने इस बात का एहतमाम किया कि प्रेस को इम्प्रूव किया, प्रेस से हमने जो इनके अच्छे फैसले हैं उनकी खबर छपनी शुरू, पता तो चले लोगों को कि एक इदारा है। पिछले दिनों इतनी बड़ी बात इन्होंने सो मोटो के तौर पर पकड़ी, और वो ये कि जी कनाइवेंस के साथ कंपनीज बनी, कनाइवेंस के साथ रजिस्टर हुई नहीं हुई, उन्होंने रिबेट्स ले लिए अरबों में और डायग्नोसिस हुआ और एफबीआर उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। मैं कहा ये कैसे हो सकता है यार, अपनों को तो पकड़ो। आप यहां पर देख रहे हैं ना, बहुत सारी कैफियत आपने सुनी होगी कि जो प्लॉट चार हैंड्स बदल गया और ये चौथा पकड़ा गया। अब भाई जिन्होंने फैसला किया था वो भी तो पकड़े जाए ना, उनके मजे हैं। ये चौथा जो पकड़ा गया ये भी कहीं ना कहीं रिश्वत देकर बचाने की कोशिश करेगा, तो उनके तो वारे नहीं आ रहे हैं। पहले गलत रास्ता दिखाने में, फिर पकड़े जाओगे तो बचाने के अंदर भी पैसे आते हैं। वो कहते थे ना, वो कोई भी कानून पास हो जाए कि डबल सवारी बंद है तो पुलिस वाले के मजे हैं कि वो कानून इम्प्लीमेंट करने में कानून होगा तो वो पैसे लेगा। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये कैफियत बड़ी अहम है कि इश्यूज़ को एक तो लोगों को पता हो। तो आई थिंक ये जो राबते का सिलसिला शुरू किया है, मेरी ख्वाहिश ये होती कि आप लोग भी कुछ बात करते ताकि आपसे हमें डायरेक्ट इनपुट बनता। फिलहाल ये वन साइडेड कैफियत है कि हम आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि तीन साल में जब भी कोई, हर साल एक ट्रेडर्स का डेलीगेशन, बहुत सारे ट्रेडर्स के डेलीगेशन आते हैं बजट बनने से पहले और बजट बनने के बाद, और वो ये कहते हैं कि जी ये जो टैक्स है हम देना चाहते हैं। अच्छा, जब टैक्स देना चाहते हो तो फिर बहस किस बात पर रह जाती है, इस बात पर रह जाती है कि आसान किया जाए टैक्स देना, सिंपल। और दूसरे ये कि ये कि जी टैक्स ना लगाया जाए ये बात मत करो, टैक्स ज़रूर लगना चाहिए, ये बात करो कि टैक्स कम लगे, ठीक है ना, ताकि आप दे सकें। तो लिहाजा टैक्स लगना चाहिए, टैक्स दहिंदगान बढ़ने चाहिए, हुकूमत के साथ ये बात हो सकती है कि टैक्स कम दिया जाए। अच्छा, टैक्स हमेशा का मामला है। टैक्स जब इस्लाम आया, जब एक वेलफेयर टैक्स लोगों के ऊपर लगाया, देखो स्टेट तो बाद में बनती है ना, प्रिंसिपल्स पहले बनते हैं। एक वेलफेयर टैक्स लगाया कि ज़कात का टैक्स दो, वो लोगों के ऊपर खुद छोड़ दिया कि तुम अपने ईमान के एतबार से तुम रियासत की लोगों की खिदमत करो। दूसरा, खैरात का बर्डन डाला गया अलग से कि खैरात भी करो, ज़कात का एक प्रोपोर्शन है, खैरात का उसके अलावा एक प्रोपोर्शन है। तीसरा, फिर जब रियासतें बनी, रियासतों की ज़रूरियात बढ़ी, तो टैक्स का सिस्टम, और हमेशा से राइज है, कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर रेवेन्यू वॉज द प्रिंसिपल, सारे बादशाहों ने रेवेन्यू कलेक्शन किया, सारे बादशाहों ने रेवेन्यू कलेक्शन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वही यूजर्प करके उसने भी रेवेन्यू कलेक्शन शुरू किया, डिप्टी कलेक्टर बनाए जाते थे, दो आने वाले टिवाना एक मिसाल है कि ये सब लेट किया जाता था कि तुम रेवेन्यू कलेक्शन करो, यही हुकूमत भी करती है। विदहोल्डिंग टैक्स इज अ सब लेट रेवेन्यू कलेक्शन, क्योंकि वहाँ खाते सही हैं तो ये बड़ा आसान है कि उन खातों के अंदर कह दिया जाए कि भाई 1% बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कलेक्शन ऑनेस्ट है वहाँ पर। तो लिहाजा ये टेलीफोन के ऊपर, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, दिस इज द ईजीएस्ट फिनोमेनन फॉर द गवर्नमेंट कि रेवेन्यू कलेक्ट कर ले, क्योंकि यहाँ खाते, जहाँ पर्सनल खाते आ जाते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम है। मगर जितना आप और मैं डिजिटाइज करेंगे इकोनॉमी को, दैट इज़ वन सोल्यूशन। अच्छा, ये साइंस जो है ना, टेक्नोलॉजी, देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। कैमरे लग गए, आसानी हो गई आपकी, जो चोरी की लोगों ने पकड़े जाते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं। डीएनए टेस्टिंग होने लगी, रेप इंसिडेंट्स जहाँ पर पकड़ा नहीं जाता था, कोई गवाह नहीं मिलता था, वहाँ से डीएनए टेस्टिंग कन्विक्शन के करीब ले आई। तो ये जो टूल्स हैं, ये जितना हम अडॉप्ट करते जाएंगे आसानियाँ पैदा होंगी। तो लिहाजा
मैं समझता हूँ कि डिजिटाइजेशन ऑफ द मईशत वाइटनिंग भी करेगी, मईशत को तेज भी करेगी, प्रॉम्प्ट पेमेंट का किस्सा शुरू होगा, तो दैट्स वन एरिया ऑफ माय होप के ये मामला चलेगा। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ों को पकड़ा गया, जैसे मिसाल के तौर पर लोग परेशान रहते हैं कि पकड़ा गया, आपको याद है एक छापा पड़ा जनाब, करोड़ रुपए के 30 करोड़ रुपए के टेलीफोन एक घर में थे कराची में, याद है आपको, है ना, क्या हो रहा था किस्सा, कि इन कल्यूजन विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स, है ना, लॉट ऑफ रेवेन्यू जो है वो सरकार को मिलता नहीं, और सरकार जो है वो बड़ी परेशान कुन कैफियत है। आप में से जो उन्होंने तारीख पढ़ी हो तो थॉमस हॉब्स ने एक किताब लिखी थी लेवियाथन, लेवियाथन एक जानवर है बहुत बड़ा देव जो बाइबल, जिसका बाइबल में जिक्र है, तो उसने कहा स्टेट जो है एक लेविया देव की तरह है। अच्छा, उसको बैलेंस करता है कानून, और एक अहमद ओगलू की किताब है या क्या नाम है, उसने ऐसे मोगलू के उसने लिखा कि द नैरो कॉरिडोर, कि ये स्टेट का भी एक नैरो कॉरिडोर है जो इंसाफ का है, इसके ऊपर डिक्टेटरशिप है और इसके नीचे एनार्की है, अगर कोई कानून ना हो स्टेट के ऊपर तो वो एनार्की है, जो इस वक्त आप मुख्तलिफ ममालिक में देख भी रहे हैं कहीं ना कहीं एनार्की है। तो ये जो नैरो कॉरिडोर है इसके अंदर हम सब सिविल सोसाइटी काम करती है कि यहाँ पर फंक्शंस बेहतर हो जाए, यहाँ पर इंसाफ हो, यहाँ पर जो लोग स्टेट के अंदर रहते हैं, 10% टैक्स टू GDP रेशियो बहुत पुअर है, क्यों है, इसकी वजह दो है, एक तो ये कि लोगों को भरोसा नहीं है, वो ईदी के पास 10 करोड़ रुपए रात को जाकर देकर आ जाएंगे, मकान के कागजात छोड़कर आ जाएंगे, ट्रस्ट फैक्टर है कि वो कर देगा, स्टेट के पास ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, अगर स्टेट करप्ट हो तो एवरीबडी फाइंड जस्टिफिकेशन नॉट टू पे टू द करप्ट गवर्नमेंट। हम लोगों ने बहुत किया, हम लोगों ने कहा कि ज़कात हम खुद देंगे, वी वॉन्ट गिव इट टू द स्टेट, क्योंकि हम इंसाफ के साथ ज़कात खर्च कर लेंगे, स्टेट इंसाफ के साथ नहीं खर्च करेगी। तो स्टेट की एक जिम्मेदारी है कि वो ये भी दिखाती रहे कि देखो जो हम लेते हैं वो इंसाफ के साथ खर्च करते हैं। ये स्टेट को भी, ये जो पिछला आप दौर जान रहे हैं 3 साल का इस हुकूमत का, ये कोशिश है कि स्टेट जो है वो एहतियात के साथ अपने ऊपर किफ़ायत करें, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने ऊपर किफ़ायत की, मैंने अपने ऊपर किफ़ायत की, प्रेसिडेंसी का सारा खाने पीने का खर्चा अपना इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ जो कैंप ऑफिस उसका एक पैसा सरकार से नहीं लेते, सिर्फ टू इस्टेब्लिश अ प्रिंसिपल, कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ने बहुत दिया, जस्ट टू इस्टेब्लिश अ प्रिंसिपल के देखो अमानतदारी कहीं से शुरू तो होती है ना। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पेट पर पत्थर बांध कर बैठे हैं, जिसके पास वो बीबी आयशा जिनके पास 5 लाख दिरहम आए और रात को खाने को 1 रोटी रह जाए, तो दिस इज द आइडियल ऑफ रियासत मदीना, है ना, उन आइडियल्स की बुनियाद पर स्टेट कवानीन बनाएगी, बनाती है, और उन आइडियल्स के एतबार से आपकी मुश्किलात का हल भी तलाश करती है। अच्छा, लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो मामला जिनका जिक्र है उस हवाले से मेक इट ईजियर। अच्छा, मैं आपसे हल्फिया एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू दैट। मैंने कहीं ये स्टेटमेंट दे दिया, बड़ा थोड़ा का काम था, मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया शुरू के अंदर, क्योंकि प्रेसिडेंसी तो हमारे यहाँ एक इदारा सिम्बॉलिक है ना, उसने शायद मुहतसिब का इदारा भी इतनी जिम्मेदारी से नहीं उठाया, तो मैंने शुरू में ये कहा कि जी मेरी डेस्क पर कोई फाइल एक दिन से ज़्यादा नहीं रहता, और मैं आपसे कह रहा हूँ 3 साल मेरे पूरे होने को आए, इनका भी फाइल, कोई फाइल मेरे यहाँ एक दिन से ज़्यादा नहीं रहता, एक दिन, मैं रात को बैठ जाता हूँ मगर बाय 12 o'clock। अच्छा क्यों, मेरे पास जो फाइल आता है उसके ऊपर डिलिब्रेशंस काफ़ी हुई हुई होती हैं, कभी कभी एक ब्यूरोक्रेसी का तरीका ये है कि फाइल घुमाओ, कभी कभी मेरे पास ये मशवरा आता था कि यार ये फाइल अब यहाँ भेज दीजिए फिर वहाँ भेज दीजिए, मैंने देखा कि इस फाइल के घूमने ही में 3-4 महीने लग गए, जो मेरे पास आया मैं भूल भी चुका था, कभी 6 महीने लग गए, तो मैंने कहा नहीं, जब मेरे पास आ गया तो सारी चीज़ें कंप्लीट कर आया, और सारा एविडेंस मौजूद है, मैं खुद देख लूँ, कॉम्प्लिकेशंस है, प्रॉब्लम है, मैं देख लूँ, जनरली थिंग्स ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी प्रिंसिपल पर उतर रही होती हैं पूरी की पूरी, फैसला करने में क्या देर है, तो सारे फाइल्स पढ़कर मैं एक दिन से ज़्यादा हार्डली एवर, यानी अगर एक दिन मैं इस्लामाबाद में नहीं भी हूँ तो
तो शाम को, क्योंकि डिजिटाइजेशन हमने मुकम्मल कर लिया, शाम को अगर वाईफाई कनेक्शन है तो सारे फाइल देखकर मैं फैसला करता हूँ। दूसरी बात, अब ये गवर्नर साहब को मैं अलग से इत्तला दे दूँगा, वो इजाज़त लेकर कहीं फंसे हुए थे वहाँ चले गए, मैं अलग से इत्तला दूँगा कि इन्होंने 49 डेज़ का एक एवरेज निकाला कि फैसला होता है। बहुत बड़ी बात है, 50 दिन के अंदर अंदर कोई फैसला आपको सरकार के हवाले से मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, तो यूज़ इट। अच्छा, दूसरी बात, 50 दिन के अंदर फैसला हो, फिर 80% इन्होंने बताया कि लोग मुतमईन थे, ठीक है, और डिपार्टमेंट भी मुतमईन था फैसले से, तो 80% की इन्होंने अपील नहीं हुई। जो 20% अपील आई, वो मेरे पास आई या इनके पास आई, उसके अंदर इतना टाइम ज़रूर लगता है कि वो अपील को सही तरह से देख लें, यानी अपील जेन्युइन होनी चाहिए, यानी जेन्युइन से मुराद ये हम हर अपील को जेन्युइन समझते हैं, लिहाजा उसको फिर तोल लिया जाए कि कहीं किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई। उसमें मज़ीद अगर एक महीना लगता है तो लगे, मगर जिस दिन मेरे पास उसका रिकमेंडेशन आता है तो रिकमेंडेशन में यानी कुछ केसेस में एक्सेप्ट करता हूँ, कुछ केसेस में दोबारा पूछता हूँ कि भाई ये तो मुझे नहीं लग रहा, कुछ केसेस में लोग कहते हैं जी कानून आपके ऊपर मुश्किल क्रिएट कर रहा है, आप इससे हट कर नहीं जा सकते। कहाँ, मिसाल के तौर पर किसी इदारे ने कोई पेमेंट करना था आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए, मिसाल के तौर पर, करोड़ों तक करोड़ों की आती हैं। अच्छा, आज हम 10 साल बाद वो 10 लाख रुपए का पेमेंट सरकारी इदारे को कह रहे हैं दे दो, भाई 10 लाख की तो कीमत कुछ भी नहीं रही, तो अवाम के एतबार से क्या करें हम। तो जी मैंने कहा कि जी इसके ऊपर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएं, उन्होंने कहा जी आप ये नहीं कर सकते, मैंने कहा रेट ऑफ प्रॉफिट लगाएं, मगर लगाएं जरूर भाई, जिसको रिलीफ 10 साल लग गए रिलीफ देने में, भाई पेंशन मिलनी थी किसी को, पेंशन रुकी रही रुकी रही रुकी रही, अब आप 10 साल बाद उसको रिलीफ दे रहे हैं, वही पेंशन आप दे रहे हैं, तो मैं कहा इसके ऊपर जुर्माना लगाएं, बैंक दें, इंश्योरेंस, आप 4 दिन सूद नहीं अदा करें बैंक का, वो आपको नहीं छोड़ेंगे 4 दिन के लिए, एक दिन आपको नहीं छोड़ेंगे है? और जब लोगों की पेमेंट कब होता है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी या बैंक्स, किसी चीज़ का एक ये बना लिया कि जी एटीएम से डिजिटल, मासूम लोगों को आपने फैसिलिटी दे दी, मासूम लोगों को किसी ने मेजर बनकर फ़ोन किया, उसने कहा जी मुझे पासवर्ड बताओ, ये करो वो करो, और जनाब एक दिन के अंदर उसके 5 लाख रुपये निकाल दी। अच्छा जी, अब वो अपील करता फिर रहा है, रोता फिर रहा है कि भाई मेरे तो 5 ही लाख रुपये थे, बैंक कहता जी मेरा क्या, हमने तो तुमको मना किया था। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर बैंक ने ये फैसिलिटी दी, मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट ऑन दैट, मैं तो परेशान रहता था यार, क्रेडिट कार्ड का 1 रुपया कम आपने दे दिया, वो 1,500 रुपये जुर्माना आ गया आपके ऊपर यार। अजी तो मैं जब कंप्लेंट की मैंने गवर्नर स्टेट बैंक के इशरत साहब थे, इशरत हुसैन साहब को, तो खत उनका जवाब में आया कि जी ये हमने प्राइवेट कॉम्पिटिशन में छोड़ा हुआ है। अच्छा, मैं तो मारा गया ना, वो प्राइवेट कॉम्पिटिशन वो कर रहे हैं, 4 साल बाद वो अपने रेट रिड्यूस करेंगे, फिलहाल तो लोग मारे गए। तो इसी तरह से मैंने कहा कि जी ये ATM वगैरह मेक पीपल अवेयर, कंटिन्यूसली मेक पीपल अवेयर, लोग मासूम है यार, इसके ऊपर तो मत कमाओ। आप देखें कि अभी एक स्टडी आई है अमेरिका के अंदर कि 60% ऑफ पीपल अबव 55, 60% ऑफ पीपल अबव 55 गेट अ स्कैम कॉल फॉर देयर अकाउंट्स एक्सेट्रा एंड सम ऑफ देम फॉल फॉर इट। यहाँ तो बिल्कुल ही मासूम है ना इनके साथ, तो लिहाजा द बर्डन टुडे वी हैव सेड कि द बैंक्स आर रिस्पॉन्सिबल, ज़्यादा एजुकेट करो, ज़्यादा बताओ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुसलसल एक कैफियत है जिसके अंदर अब ये जो मेरे पास अपील्स आईं इसके अंदर भी मैं समझता हूँ टाइम श्रिंक हो सकता है। गवर्नर साहब का ख्याल था कि साल लगेगा, साल नहीं लगता, जब 50 डेज का एक विंडो है जिसके अंदर आप अपील का फैसला कर लेते हैं, इसी तरह से कहीं इसकी डिले का भी इम्कान नहीं है। तो लिहाजा मैं हजरात ख्वातीन आपसे ये अपील करता हूँ कि इसका प्रचार भी करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, टेलीविज़न टॉक शोज़ में बताता हूँ लोगों को कि ये रास्ता है, इसको अपनाओ, दिस इज़ अ रिलीफ प्रोवाइडर। माशरे में जब रिलीफ प्रोवाइडर्स हों तो सिस्टम भी बदल जाते हैं कि भाई रिलीफ मिल रही है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ कि बैंक्स रिस्पॉन्सिबल, अनलेस मुझे बैंक क्लियर इंडिकेटर दे कि नहीं जी इस आदमी को हमने 5 मरतबा ये कहा है कि इसकी एहतियात करो। तो लिहाजा वी होल्ड द पीपल, ये वफाकी मोहतसिब के इदारे लोगों की तरफ से सोचते हैं,
ये सरकार की तरफ से नहीं सोचते, सरकार में जब आप जाते हैं तो सरकार अपनी तरफ से सोचता है एंड नॉट फ्लेक्सिबल। मुतसिब के इदारे जो हैं ये अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अवाम की तरफ से सोचते हैं। तो सुगैरा साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ फॉर योर हार्ड वर्क, है, और मैं समझता हूँ कि फंडामेंटल चीज़ों के अंदर जो तब्दीली आ रही है, मेरी ख्वाहिश ये होती कि इन सब लोगों को भी हम सुनते और ये चीज़ इसकी इसका इम्कान आप बढ़ाते जाएँ कि लोगों के साथ जो टैक्स पेयर्स हैं उनके साथ आपका ताल्लुक भी बढ़े और इनके इश्यूज़ को भी समझें। और बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि आप करते क्या है, तो लिहाजा टैक्स पेयर्स हैं तो बहुत, और हर टैक्स पेयर 50% टैक्स पेयर्स रोते रहते हैं, सवाए सैलरी टैक्स पेयर रोते रहते हैं कि जी ये हुआ ये हुआ मेरे साथ ये हुआ। तो लिहाजा उन तक हमारा पहुँचना बेनतहा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ अ रियासत विच इज़ देयर टू सर्व द पीपल रादर देन जस्ट टू एक्सप्लॉइट रेवेन्यू। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम यह है कि जिन्होंने अच्छा कमा लिया उनसे टैक्स लेकर जो पिसा हुआ तबका है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए सेहत और तालीम के साथ कि वो भी काम कर सके। अच्छा, तो एक जनरेशन खूब तरक्की करती रहे, टैक्स होता रहे, और जो नीचे है दिस इज ऑल द वर्क द स्टेट हैज़ टू डू। आपके लिए रास्ते खोले बिजनेसमैन के लिए कि कमाओ, सबके लिए खोले, मेरिट की बुनियाद पर दूसरों को रास्ते फराहम करते रहे। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स। इसके अंदर टैक्स के लूपहोल्स भी बनते जाते हैं, दुनिया के अंदर लूपहोल्स बने हुए हैं। आपको मालूम हमारा सारा सरमाया बाहर जाता रहा, दुनिया बड़ी खुश थी कि थर्ड वर्ल्ड से पैसे आ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये जो जो सारी हमारी मेहनत की कमाई सब गई। जब उनको चुभने लगी ये बात तो उन्होंने फिर कानून बनाना शुरू किया, वरना पिछले 100 साल से ऑल मनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ से लूट लाट कर बाहर चली गई, किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। कहत हो गया बंगाल के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, पैसा जाने दो आने दो, जो आ रहा है दबा कर आता जाए। लिहाजा मगर अब दुनिया के अंदर इस बात का इम्कान है कि इसको रोका जाए और टैक्स का निज़ाम भी एलिटिस्ट ना हो। आज दुनिया को एहसास हो रहा है कि ये एप्पल और गूगल और ये सब लोग ये नॉन पेइंग टैक्स हेवंस के अंदर अपनी कंपनी बनाती हैं और हमें टैक्स नहीं मिलता। हमें तो पहले से एहसास था कि हमारे यहाँ भी कौन सी क्या कहते थे, वो अब पुरानी बात हो गई, बड़े पनामा जैसे और इन जगहों के ऊपर वो टैक्स हेवंस थी कि वहाँ से वहाँ पैसा बचा लो। तो देयर इज़ अ जेंटलमैन हु हैज़ रिटन टू बुक्स, थॉमस पिकेटी ऑन कैपिटल एंड कैपिटल एंड आइडियोलॉजी, एंड ही इज़ टॉक्ड अबाउट कि जो टैक्सेशन सिस्टम दुनिया का है वो एलिटिस्ट है। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसको अगर काबू नहीं किया तो ये भी सारा पैसा ड्रेन कर सिर्फ इंफॉर्मेशन और आईटी के अंदर चला जाएगा, तो वो एक एलिटिस्ट डेवलपमेंट है। तो टैक्स लूपहोल हम अलग बंद करें, हैं, टैक्सेशन के निज़ाम मुनसिफाना हो, आप तंग ना हो, यू शुड फील प्राउड के यू आर टेकिंग पार्ट। आप खैरात करते हैं ना, यू फील प्राउड कि जी मैंने ये खैरात, कोविड में आप सब लोगों ने खैरात की, किसी ने आपको कहा था कि करो, आपके दिलों से निकली एंड यू फील प्राउड ऑफ दैट। तो वही कैफियत स्टेट की एक अच्छी रियासत के अंदर बननी चाहिए कि यू फील प्राउड ऑफ बीइंग पेइंग टैक्स, ताकि जो रियासत अच्छे काम करे उसके अंदर आपका भी हिस्सा हो। तो बहुत शुक्रिया लेडीज एंड जेंटलमैन, माशाल्लाह अच्छा काम है और चलता रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।